नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करते हैं गिरिडीह से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां 1,00,000 का इनामी नक्सली मनोज राय पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने इस नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पिरटाड़ से पुलिस ने नक्सली को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि अपने पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने आया था नक्सली, और इसी दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। 1,00,000 रुपए का इनाम मनोज राय पर पुलिस ने रखा था। 1,00,000 का इनामी नक्सली आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ रहे हैं। अजय, 1,00,000 का इनामी नक्सली आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि नक्सली अपने पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने आया था, और इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इस कुख्यात नक्सली को धर दबोचा। मनोज राय, जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, वो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। नक्सल विरोधी अभियान में जुटी टीम के लिए ये बड़ी कामयाबी। गिरिडीह के पिरटाड़ से पुलिस ने मनोज राय को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मनोज राय अपने पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पहुंचा था, और इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मनोज राय को गिरफ्तार किया। 1,00,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है मनोज राय पर, जो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बड़ी कामयाबी नक्सल विरोधी अभियान में जुटी टीम की। 1,00,000 का इनामी नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अजय, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, 1,00,000 रुपए का इनामी नक्सली आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। जी बिल्कुल, गिरिडीह पुलिस ने जाल बिछाकर 1,00,000 के इनामी नक्सली को पीरटाड़ के लेड़वा गांव से पकड़ा है। गिरिडीह पुलिस को सूचना मिली थी कि इनामी नक्सली के पिता की मौत हुई है। गिरिडीह पुलिस लगातार सूचना इकट्ठा करते हुए, जैसे ही इनामी नक्सली अपने गांव राजक्रम में पिता के शामिल होने आया था, पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ लिया है। पुलिस लगातार नक्सली से पूछताछ कर रही है, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, निशानदेही पर छापामारी की जा रही है। जी धन्यवाद अजय इन जानकारियों के लिए। तो पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, और उसकी निशानदेही पर पुलिस आगे कार्रवाई में जुट जाएगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कई कांडों में संलिप्त नक्सली भी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे।